नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। सिद्ध क्षेत्र को तीर्थ स्थल से पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से नाराज जन समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में प्रतिष्ठानों को बंद कर सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। सौंपा ज्ञापन। झारखंड के मधुबन में स्थित तीर्थराज समेत शिखर तीर्थ स्थल को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से नाराज श्री दिगंबर जैन समाज के लोगों ने आज शहर के सखायापुरा स्थित जैन मंदिर से एक जुलूस निकालते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर उन्होंने एक ज्ञापन एडीएम मनोज को सौंपते हुए कहा कि अगर उनकी यह मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में भी, अभी तक सिर्फ बहराइच में प्रदर्शन हुआ है, दिल्ली के लाल किला पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। पर्यटन स्थल घोषित होने के तीर्थ स्थल के पास मांस मदिरा आदि का सेवन होने लगेगा व डीजे आदि का प्रयोग भी होगा, जिससे ध्यान भी केंद्रित नहीं होगा। क्या है समाज अध्यक्ष जैन समाज बहराइच, क्या बताना चाहेंगे केंद्र सरकार से, क्या मांग करते हैं और जिले में क्यों प्रदर्शन हो रहा है आपका? झारखंड सरकार ने हमारे तीर्थ क्षेत्र श्री समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है। पर्यटन क्षेत्र घोषित न करके तीर्थ क्षेत्र घोषित करें, इसके विरोध में केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसको धार्मिक क्षेत्र घोषित करे। भैया पूरे देश में इसका आंदोलन हो रहा है। 11 तारीख को पूरे दिल्ली के लाल किले पे काफी लोग इकट्ठा हुए थे और इसका पूरा विरोध कर रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र घोषित न किया करके इसका इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो किस स्तर तक आप लोगों का प्रदर्शन? हम लोग पूरे भारत के पूरा जैन संप्रदाय इस बात के लिए आंदोलित है और इसका पूरा आंदोलन करेंगे। आज क्या किया है आप लोगों ने? आज हम लोगों ने पूरे जैन समाज बहराइच ने पूरे अपने प्रतिष्ठान को बंद रखकर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू। जैन साहब क्या बताएंगे, आप महिलाओं ने और तमाम पुरुषों ने जैन समाज के साथ प्रदर्शन किया है, क्या मामला है और आखिर क्या मांग है आप लोगों की? हमारा श्री समेत शिखर जी बहुत ही पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, जो सदियों पुराना है और शाश्वत तीर्थ क्षेत्र माना जाता है, और उसको केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया। इसी सिलसिले में हम लोग ने ये रैली निकाली है कि उस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र ही रहने दिया जाए और पर्यटक स्थल ना बनाए, क्योंकि पर्यटक स्थल बनाने के बाद वहाँ पर मांस मदिरा मछली आदि का सेवन शुरू हो जाएगा और वहाँ इस तरह के कारोबार होने लगेंगे। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उसको तीर्थ स्थल ही रहने दें।